ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही कि ये आंसर राइटिंग के लिए एक वीडियो है, तो इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी का जो ऑफिशियली चेक्ड कॉपी है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें से एक अभी हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ये किन्हीं कैंडिडेट का है कॉपी जो मुझे मिला है, और आप जानते हैं बीपीएससी से आरटीआई से आप अपनी कॉपी को मंगवा सकते हैं। तो ये बीपीएससी का ऑफिशियली चेक्ड कॉपी है और इसमें हम लोग अभी देखेंगे एक सवाल को जिसमें कि इनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, और वो है जो मार्क्स है वो लास्ट में आपको दिख जाएगा। सवाल क्या था? स्टैटिक क्वेश्चन जो मौर्यन आर्ट पे होता है, ठीक है, मौर्यन आर्ट 67 बीपीएससी का ये कॉपी है। तो 67 के आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ठीक है, उसमें मौर्यन आर्ट पे जो 38 मार्क्स का सवाल आया था। अब इसमें आप देखिए, इस सवाल को मौर्यन आर्ट है इसको पहले डिफाइन कर दिया गया। इंट्रोडक्शन यहाँ पे है, ठीक है, और ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया? द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर विच अपोज ब्राह्मणिकल, ये कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब यही लिखा गया है कि बुद्धिज्म जो है और जैनिज्म का जब उभार होता है तो वो मतलब अपोज टू ब्राह्मणिकल रिलीजन तो नहीं था, दैट वॉज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आप कह सकते हैं, या फिर ब्राह्मणिज्म में जो भी दिक्कत थी तो उसको हटाने की बात कर रहा था। वन सच एम्पायर वॉज मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो कितना सिंपल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि भाई मौर्यन एम्पायर, मौर्यन आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मौर्यन एम्पायर के बारे में भी बोल दिया गया कि मौर्यन एम्पायर कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, कैसे मौर्यन एम्पायर बड़ा हुआ, कैसे बना। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो एंटी ब्राह्मणिकल स्टैंड बना के रखा था उसके वजह से मौर्यन एम्पायर का उभार होता है। एंड तब लिखा जाता है कि द एम्पायर वाइज वाइडली नोन फॉर इट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर, द आर्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर कैन बी ट्रेस्ड टू द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज इंडिका, जो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, जिसमें इंडिया के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में बोला गया था भाई कि एकदम सपनों का शहर है, ठीक है, तो वो एलाबोरेट करता है। तो यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन में एक तो मौर्यन एम्पायर को बता दिया गया, ये भी बताया गया कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, और उसके बाद सिर्फ ये नहीं बोला गया, ये भी बता दिया गया कि मेगास्थनीज ने इंडिका में इस बारे में बोला है। तो ये एक सब्सटेंशिएशन हो गया। तो देखिए, एक इतना क्योंकि 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये इंट्रो लिखा गया है यहाँ पे। अब यहाँ से आ गए कि मौर्यन आर्ट, द मौर्यन आर्ट इज ऑफ टू टाइप्स, कितना एकदम सिंपल लाइन लिखा गया, और उसके बाद फिर ये फ्लो चार्ट बना दिया गया कि एक हुआ कोर्ट आर्ट और एक हुआ फोक आर्ट। फिर कोर्ट आर्ट को नीचे समझा दिया गया, द कोर्ट आर्ट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय किन के, रॉयल हाउसहोल्ड, ठीक है, तभी तो कोर्ट आर्ट बोला गया। इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म कैन बी सीन, फिर एग्जांपल दिया गया पैलेस, ठीक है, अशोकन पैलेस, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस था, ठीक है, जो भी मौर्यन रूलर थे उनका पैलेस, उनका जो अमात्यास थे यानी कि उनके जो मिनिस्टर थे उनका पैलेस। उसके बाद आता है फोक आर्ट, द फोक आर्ट ओरिजिनेटेड ड्यू टू पीपल्स ओन इनिशिएटिव, उनका ओन एफर्ट थी, इसलिए फोक आर्ट बोला जाता है। सेक्युलर इन्फ्लुएंस आपको इसमें ज़्यादा दिखेगा, तो यहाँ बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस आपको रिलीजियस इन्फ्लुएंस दिखेगा और यहाँ पर सेक्युलर इन्फ्लुएंस दिखेगा, और इसलिए यहाँ पर पॉटरी आ गया। यहाँ पर टेराकोटा भी लिखा जा सकता था एग्जाम्पल में, बट एक एग्जाम्पल भी एनफ है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन था पहले पेज में और फिर यहीं से क्वेश्चन का डिमांड फुलफिल करना यानी बॉडी यहां से शुरू हो गया। और किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप बताने जा रहे हैं कि भाई आप सवाल से क्या समझे और आगे आप क्या लिखने वाले हैं, ये आप इंट्रोडक्शन में ही बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसके बाद फिर यहाँ से बॉडी पार्ट शुरू हो गया जहाँ पे क्वेश्चन का मेन डिमांड फुलफिल होगा। और क्वेश्चन में पूछा गया मौर्यन आर्ट के बारे में, तो आर्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कोर्ट आर्ट एंड फोक आर्ट, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक में बोला गया, कोर्ट आर्ट को यहाँ पे लिख दिया गया, इट इज़ अ फर्दर डिवाइडेड इन क्या क्या, तो पैलेस में है, स्तूपा में है, विहारा में है, ठीक है। तो पैलेस के बारे में बोल दिया गया भाई कि मेनली जो है वो वुड से बनता है, ठीक है, और बहुत एलाबोरेट करके ऐसा लिखा गया है। उसका एग्जांपल दिया गया पैलेस मेड बाय गॉड, ठीक है, मौर्यन पिलर्स पे जो चंद्रगुप्त का जो पैलेस बना हुआ था उसको पैलेस मेड बाय गॉड बोला जाता है, ठीक है, ये शायद मेगास्थनीज की बुक इंडिका में ही लिखा गया है। फिर अशोक का जो कुम्हरार पैलेस है, 80 पिलर्स पैलेस जो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, कुम्हरार पार्क में, अभी उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है। वहाँ पार्क में आप जाएंगे तो बस आपको रेड सैंडस्टोन का पिलर एक ऐसा दिखाई देगा
वो ग्रिल में वो पैक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या है, पिलर्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अशोकन पिलर तो भाई वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तो ये पिलर का देखिए यहाँ पे छोटा सा ड्राइंग, छोटा सा तो नहीं, ठीक ठाक बड़ा है, लेकिन एक सिंपल ड्राइंग बना दिया गया, ठीक है। मेन जो फीचर था सिंगुलर रॉक, जैसे ऊपर पैलेस क्या था, वुड से बना है, तो मेन फीचर ये था, इसी के लिए इतना लिखा गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सिंगल रॉक से मोनोलिथ, ये जो सिंगल रॉक मोनोलिथ बनता था, देखिए इसको पार्ट वाइज भी बनाया जा सकता था, बट सिंगल रॉक से बनता था। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, अकेमेडियन जो पिलर होता था, ईरानियन पिलर, वो अलग अलग पत्थर को जोड़ के बनाया जाता था, बट मौर्यन रॉक जो था वो सिंगल मोनोलिथिक रॉक से बना हुआ है। तो पिलर के बारे में यहाँ बता दिया गया, ये सब बना दिया गया, और एग्जाम्पल दे दिया गया लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया रामपुर व पश्चिमी चंपारण में जो अशोकन पिलर है। इसके अलावा आप अलाहाबाद पिलर या जो भी आपको पिलर याद है आप उसको दे सकते हैं, लुम्बिनी पिलर, सारनाथ पिलर, सब दे सकते हैं, ठीक है। और इसका फिर आप ये बता सकते हैं कि पिलर का यूज क्या था। उसके बाद आ गया स्तूपा पे, दीज आर हेमिस्फेरिकल मॉन्ड, इसको डिफाइन कर दिया गया, जिसमें रिलिक्स ऑफ बुद्ध और बोधिसत्व पाया जाता है, ठीक है। मतलब एक एक करके बेसिक बातें लिखी गई हैं। फिर इसका लिख दिया गया भाई कि आउटर पार्ट जो बंट रॉक से बना है, रॉक नहीं, यहाँ पे ब्रिक होना चाहिए, तो बंट ब्रिक हो गया, अनबंट ब्रिक हो गया, प्लास्टर किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ तोरण द्वार, ठीक है। अब यहाँ पे स्तूपा का डिजाइन नहीं बनाया गया, स्तूपा भी बनाया जा सकता था, ठीक है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि नंबर बहुत अच्छे मिले हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा मिस्टेक है कि बर्नड रॉक लिख दिया गया, यहाँ पे ब्रिक होना चाहिए था, तो इसके बावजूद भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। इसका मतलब कि आप आंसर राइटिंग का जो आर्ट है उसको सीख लें, तो जो चेक करने वाले वो समझते हैं कि हाँ ठीक है भाई, एग्जाम लाइक कंडीशन में ये हो सकता है कि ब्रिक की जगह रॉक लिख दिया गया है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। प्रेजेंस ऑफ तोरण एंड प्रदक्षिणा पथ, तो अब जिनको जैसे आदत होगा तो वो यहाँ पे स्तूपा का डिजाइन बना देंगे कि भाई ऐसा स्तूपा ऐसा होता है, ठीक है। ये हर्मिका ऊपर में है, छतरी और यस्ती होता है, प्रदक्षिणा पथ ये है, और उसके नीचे में फिर ये ऐसे पूरा बाउंड्री होता है, और यहाँ पे तोरण द्वार होता है, ठीक है। यहाँ पे भी तोरण द्वार होता है, यहाँ पे भी तोरण द्वार होता है, और पीछे साइड भी तोरण द्वार होता है। ये होता है स्तूपा, इसी को बोलते हैं अंड। तो जैसे पिलर का ड्राइंग बनाया गया, तो ऐसे ये भी बनाया जा सकता था, तो हो सकता था कि एक दो नंबर और ज़्यादा मिलते। स्तूपा मेड बाई, तो अशोका ने 84,000 स्तूपा बनाया था, जो बुद्धा का ओरिजिनल रिलिक्स जहाँ पे था उससे निकाल के सारनाथ से, और 84,000 स्तूप में उसको स्थापित किया गया, ठीक है। उसका केव आ गया, तो केव के लिए सॉरी क्वाइंस है, क्वाइंस कहाँ क्या है, सिल्वर और कॉपर का बनाया जाता था, और वे सब बात है, क्वाइन तो वो रॉयल आर्ट में ही आएगा, ठीक है। उसका भी बता दिया गया साइज शेप सब ये सब वगैरह, हाइट वेट सब जो था वो यूनिफॉर्म था, ठीक है। तो ये चार चीज़ें बता दी गई कि रॉयल आर्ट में आता है। इसके बाद अब आ गए फोक आर्ट पे, ठीक है, जो सेकेंड पार्ट ऑफ मौर्यन आर्ट था। उसमें पहला केव आ गया, केव को चैत्र लिख दिया गया यहाँ पे, जबकि विहारा होना चाहिए था, तो अगेन वही कि चलेगा, ठीक है। तो केव, दीज केव्स ऑल्सो नोन एज चैत्य, चैत्य क्या होता है, चैत्य जहाँ पूजा की जाती है, तो चैत्य और विहार दोनों होना चाहिए। तो केव्स के बारे में फिर पूरा लिख दिया गया, आजीविका सेक्ट देखिए एग्जाम्पल दिया गया, बराबर केव है, ठीक है, लोमस ऋषि केव है, ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्कल्पचर पे, तो स्कल्पचर क्या है भाई, तो ऑल थ्री रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग जो है इसकी पूजा करते थे स्कल्पचर को, और स्कल्पचर का कैरेक्टरिस्टिक बता दिया गया, सिंपल इन डिजाइन, लार्ज साइज बट फ्री फ्लो, इंट्रिकेट फिनिशिंग, लार्ज फेस विथ प्रोट्रूडिंग चीक्स, ठीक है। अब यहाँ पे यक्ष और याक्षिणी के बारे में लिख दिया गया है, ठीक है। तो अगर बहुत जो आर्टिस्टिक होंगे तो वो याक्षिणी, दीदारगंज याक्षिणी की जो जो स्कल्पचर है उसको आप बना के, सिंबॉलिक बना के, और उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पॉटरी पे, ठीक है। तो पॉटरी क्या था, इसके बारे में बता दिया गया कि लग्जरी गुड भी था ये, और कॉमन पीपल के यूज़ के लिए भी यूज़ होता था पॉटरी, और उसको कैरेक्टरिस्टिक उसका बता दिया गया कि नदन ब्लैक पॉलिश वेयर था, ठीक है। उसके बाद डेकोरेटिव पर्पज से भी यूज़ किया जाता था, रेड पैचेज आ जाता है, यूज़ फॉर स्टोरेज, कुकिंग इटीसी, और उसका यहाँ पे कंक्लूड कर दिया गया, ठीक है, कि द मौर्यंस वेयर द इनिशिएटर ऑफ मैग्निफिसेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह, और बेस्ट ऑफ द मैनकाइंड। ये रहा पूरा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब देखिए मार्क्स कितने मिले हैं, ठीक है, मार्क्स मिला है 2, 10, 10, यानी कि टोटल 22 मार्क्स आउट ऑफ 38। ये बहुत बेहतरीन नंबर होता है, मतलब अगर आपको 22 नंबर मिल रहे हैं 38 में, तो ये मतलब बहुत मतलब बेहतरीन नंबर है ना। तो देखिए ऐसा सिंपल आंसर लिख के, जिसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया हो, हैंड राइटिंग ठीक ठाक लेजिबल हो, तो आप 22 नंबर ला सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आंसर राइटिंग को जो हवा बना दिया जाता है, खासकर बीपीएससी में, तो बीपीएससी यूपीएससी हर जगह बनाया जाता है, तो इसीलिए ये आंसर राइटिंग पर डिस्कशन का ये वीडियो है। प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस हैं, प्लीज़ जाइए देखिए और उससे लर्न कीजिए। और एक चीज़ और, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ पेज 1,
नंबर ऑफ पेज दो, ये तीन, ये चार, और यहाँ पे ख़त्म। तो 38 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो चार पेज में भी ख़त्म होता है, नहीं तो जनरली पाँच पेज में लोग ख़त्म करते हैं। चाहिए अगर स्तूपा वगैरह डिज़ाइन बनाते तो इनका भी पाँच पेज में चला जाता, ठीक है। तो ये भी एक पता चल गया कि कितने पेज में लिखना आंसर भाई, तो चार से पाँच पेज में आंसर लिख के आप 22 नंबर ला सकते हैं, देर इज नो इशू। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा डिस्कशन, ठीक है। कंटेंट के लिए हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आंसर को किस तरह से लिखा जाता है, आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरह से एग्जांपल पुट किया जाता है, किस तरह से इस तरह से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लिख के और ये चीज़ों को लिखा गया है। देखिए इतना स्पेस इनका खाली भी रह गया, इनको लिखना नहीं पड़ा, तो ये भी स्मार्टनेस होता है कि टाइम को बचाना है, सेव करना, ये सारा गेम एग्जाम में होता है और ये आपको सीखना होगा, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, छुपा के मत रखिए अपने पास, और फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, लाइक तो ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।